नमस्ते रतन सिंह, ये बच्चे कौन है? ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी और दामाद है, आपसे आशीर्वाद लेने आए। जीते रहो भाई। आपकी बेटी की शादी हो गई और हमें खबर तक नहीं। आप हमारे मैनेजर हैं, इतना हक तो हमारा बनता है। शादी मैंने नहीं करवाई ठाकुर साहब, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं दोस्ती हो गई और वहीं कोर्ट मैरिज कर डाली। और फिर आपकी बेटी ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि आपकी इजाजत ले ले। उसे डर था ठाकुर साहब, वो इजाजत लेने आएगी तो मैं ना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि लड़का होनहार तो है मगर ठाकुर नहीं। ठाकुरों के रिश्ते ठाकुरों में ही होते हैं रतन सिंह। फिर ये शादी मंजूर करके मेरे पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जमाना बदल गया है ठाकुर साहब। कुछ नहीं बदला है रतन सिंह, कुछ नहीं बदला। क्रिकेट अपना रंग बदल सकता है मगर शेर कभी नहीं। वाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है आपकी बेटी। मेरे अंबर और इसकी चांद सूरज किसी जोड़ी बनेगी। शायद शर्मा गई। मैं अक्सर शराबियों के मुंह नहीं लगता, चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना हो। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो जाकर मैनेजर से ले लो। मेरी खुशियां आपकी मेहरबानी की मोहताज नहीं है भाई साहब। मैं राधा की खुशी मांगने आया था, वो कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन की कोठी में जाना चाहती है। अपनी बेटी की खुशी की हर चीज मुहैया की है हमने, ठीक है, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ दो चार आदमी भी कर देना। राम राम मालकिन जी। राम राम। राम राम भाई जी। उतरिए बेबी जी। अरे अरे, पता नहीं पापा ने इन बेवकूफों को मेरे साथ क्यों भेज दिया है। आपका ख्याल रखने के लिए। शराब। क्या हुआ राधा? कुछ सुना तो नहीं? क्या? बांसुरी की धुन। बांसुरी की धुन? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हाँ सुनाई तो दे रही है। लगता है ये सुर मुझे बुला रहे हैं। अकेली लड़की देखी तेरी ये हिम्मत। शुक्रिया जी, मुझे क्या पता जान बचाने का ये नाम मिलता है। जान बचाने का? वो देखिए। बाप रे। एक कदम और आगे लेती ना उस दुनिया में पहुंच जाती। आओ। मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं बांसुरी की धुन सुनते। अरे ये बांसुरी तुम बजा रहे थे? थप्पड़ तो नहीं मारोगे ना? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ मैं बजा रहा था। आपको बांसुरी अच्छी लगती है क्या? आपकी बांसुरी में इतनी कशिश थी जैसे चांदनी रात में धीरे धीरे नदी बहती हो, और जैसे नदी की धारा बहते बहते राधा राधा पुकारती हो। इसीलिए तो मैं देखना चाहती थी कि कौन है वो जो मुझे जानता नहीं फिर भी मुझे आवाज दे रहा है। अरे राधा, अरे वो क्या बताओ तो सही।
राधा और श्याम मिलते हैं तो क्या होता है? ओ, तो उसका नाम श्याम है? हाँ। मर गया। क्या मतलब? देख राधा, वो श्याम तो भगवान थे और ये श्याम एक गांव का मामूली सा लड़का, और तू वो राधा नहीं है, तू है ठाकुर अजीत सिंह की बेटी। उनके प्यार के तो मंदिर बन गए थे, और तेरे प्यार का क्या अंजाम होगा ये सोचकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है राधा। दिल सोचता नहीं, सिर्फ करता है बिंदिया। राधा जी, राधा जी, राधा, राधा। अरे आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? कहाँ कहाँ तो नहीं ढूंढा मैंने आपको। आप क्या लेने आए हो यहाँ? जी आपको ये मिठाई का डब्बा देने आया हूँ। जानती है गंगा माँ बन गई है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, पाप बनने की खुशी तो होती होगी ना। अब गंगा का बच्चा मेरा ही बच्चा तो हुआ ना। लीजिए मिठाई खाइए। जब गंगा से प्यार करते थे तो मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? गंगा ही नहीं जी, मैं तो यशोदा, तुलसी, जानकी, जमुना सभी से प्यार करता हूँ। और जानती हैं आप, वो सब भी मेरी बांसुरी की उतनी दीवानी है जितनी आप। अब ये बांसुरी मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी, ना ही तुम इसे बजा सको और न किसी को धोखा दे सको। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अगर मैंने बांसुरी नहीं बजाई तो यशोदा, तुलसी, जानकी कोई दूध नहीं देगी। दूध? किसकी बात कर रहे हो तुम? अपनी गायों की। आप क्या समझी? मैं समझी, मैं समझी। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। लेकिन माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। प्यार? तूने अभी देखा ही क्या है? तू समझता है फूलों की डाली है प्यार? मैंने देखा है तलवार की धार है प्यार, मौत है प्यार, लहू लुहान हो जाएगा, मिट जाएगा। खा लो, देर दूंगा तुम दोनों की। बोलो मेरी बिटिया कहाँ है? पता नहीं ठाकुर साहब। तुम दोनों को मैंने उसके साथ भेजा क्यों था? जवाब दो। और तुम यही देखभाल करती हो तुम उसकी? जी, वो मैं, जी। क्या मैं कर रही हूँ? बोलो कहाँ राधा? अगर मेरी बिटिया सही सलामत वापस नहीं आई तो तुम में से कोई नहीं बचोगे। अब खड़े क्यों हो? जाओ ढूंढो उसे। पापा, थोड़ी और देर करती तो यहाँ लोगों की लाशें बिछ जाती। कहाँ गई थी? पापा मैं बाहर की खुली हवा में घूमने गई थी। वो भी अकेली? खानदानी उसूलों को भूल गई? और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किस तरह के कपड़े हैं ये? आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता बेटी। तुझे? हाँ? तू बोलता क्यों नहीं? बोल ना। सुबह सुबह तो कितना खुश गया था कि राधा को लेकर आऊंगा, मुझसे मिलवाऊंगा, और फिर ये क्या हो गया अचानक? राधा ठीक तो है? उसका नाम मत लो माँ। क्यों, क्या हुआ?
आज तक मेरी मोहब्बत का नाम था राधा, आज से मेरी नफरत का नाम है राधा। बहुत दिनों से मैंने हिरनी का कोष नहीं खाया। छोड़ दे इन्हें, दूसरों का शिकार छीनना ठीक नहीं है ठाकुर, चला जा यहाँ से। मैंने अब तक सिर्फ खूंखार जानवरों का शिकार किया है, लेकिन मेरे महल की दीवार पर लगे हुए जानवरों के सरों के बीच भी तेरे गंदे सर के लिए जगह नहीं। ओ ठाकुर, तू जानता नहीं है तो किससे दुश्मनी ले रहा है। नहीं शेर सिंह, ये हमारा शिकार है। लगा दो हथकड़ी। शुक्रिया ठाकुर अंबर सिंह, आपने हमारा काम आसान कर दिया। श्याम से प्यार करती हूँ माँ जी, मैंने श्याम की आंखों में अमीरों के लिए इतनी नफरत देखी थी कि मैं अपने प्यार के लिए डर गई। मैं श्याम को नहीं खोना चाहती थी माँ जी, किसी भी कीमत पर नहीं। श्याम को पाने के लिए मैंने झूठ बोला। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने भी तो झूठ बोलकर बिल्ली का रूप धारण किया था। मुझे क्या पता था जिसको पाने के लिए झूठ बोला वही झूठ उसे मुझसे छीन लेगा। तुम मेरे साथ वापस जा रही हो? कल? हाँ कल। लेकिन पापा यहाँ आए तो कुछ ही दिन हुए हैं, मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। हमने तुम्हारी राय नहीं पूछी, तैयारी करो, सुबह जल्द निकलना है। राम राम काका। राम राम भैया, कहाँ जा रहे हो? दूध देने जा रहा हूँ जी। अब तो कोई जरूरत नहीं दूध की। क्यों? वो सब तो शहर चले गए। तो मैं राधा को लेकर ही आऊंगा माँ, राधा को लेकर ही आऊंगा। श्याम भैया। मुन्ना, माँ का ख्याल रखना। उसी दिन हो गया था जब तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए थे। छोड़ दो मेरी बेटी का हाथ। नहीं ठाकुर साहब, यह हाथ अब कोई नहीं छुड़ा सकता। अनलर्शी।
इस कमरे को मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगा अगर तुमने यहाँ से निकलने की जरूरत की। उस हरामजादे श्याम को तो मैं जिंदा करवा दूंगा। नहीं पापा, श्याम को कुछ नहीं करना, मेरे श्याम को कुछ नहीं करना। राधा, राधा, मैं आ गया हूँ। मेरे श्याम आ गया। तुम राधा, श्याम, राधा। हमने तुझे सिर्फ ये सोचकर जिंदा रखा कि तू समझ जाएगा, लेकिन अब तेरा ये जुनून खुदकुशी की हद तक पहुंच चुका है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो। इस बदलाव को इंस्पेक्टर, और याद रहे ये सलाखों के बाहर जिंदा ना आने पाए। मुझे जेल भेजकर आप हमारी मोहब्बत नहीं मिटा सकते ठाकुर साहब, मुझे गिरफ्तार करवाकर हमारी मोहब्बत नहीं मिटा सकते। आपको हमारे बीच आने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। मैंने कहा ना मां, मेरी आंखों ने हीरा चाट लिया है, अब उस चेहरे के अलावा और सभी चेहरों के लिए मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं। कम से कम तस्वीर पर एक निगाह तो डाल लेता। नहीं मां, अब कुछ नहीं देखना। अब मैं क्या मुंह लेकर ठाकुर अजीत सिंह के पास जाऊंगी। संबंध का क्या? उनकी बेटी की होने वाली सास का। अंबर? हाँ माँ, ये उसी हीरे का टुकड़ा है। नहीं माँ, ये हरगिज नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं श्याम के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? माँ होने के नाते पापा से मेरी खुशी नहीं मांग सकती। अपनी जान देकर भी तेरी खुशियां मिल जाती तो मैं मांग लेती, लेकिन तेरे पापा इस हवेली की मान मर्यादा रखते रखते इस हवेली के पत्थरों की तरह सख्त हो चुके हैं। इन पर टकरा कर सर तो फोड़ा जा सकता है, कुछ मिल नहीं सकता। इन हवेलियों की ऊंचाइयों से टकराने का अंजाम तुम पहले ही देख चुकी हो, उसके बावजूद भी तुमने अपने बेटे को आगाह नहीं किया। किया ठाकुर साहब, बहुत किया। मैंने उसे समझाया कि इन हवेलियों की तरफ से आती हुई हवा में सांस लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। मैंने उसे यह भी समझाया कि हवेलियों की सीढ़ियां जब भी झोपड़ों में उतरती है तो झोपड़ों को बर्बाद कर देती है। तुम अच्छी तरह जानती हो ठाकुर अजीत सिंह के रास्ते में जो भी आता है मिटा दिया जाता है। नहीं ठाकुर साहब, चली जाओ यहां से। ठाकुर साहब, बहादुर सिंह, निकाल दो इसे हवेली के बाहर। नहीं। कहता है राधा तो श्याम की जान है, अगर मैं मर गई तो श्याम भी मर जाएगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं उस तक नहीं जा सकती, उसे अपना हाल नहीं बता सकती। मैं क्या करूं? मजनू के दोस्त, लव लेटर लाने की बजाय जेलर की जेब से चाबी ला तो हम भी तेरे मजनू के साथ फुर हो जाएं, समझा? ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजानन भूत गणादि देवतम। बैठ जा, बैठ जा राधा, बैठ जा। का शुभ मुहूर्त हो गया है, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। आजा मंजू, चल।
प्यार नहीं, मैं तन मन से किसी और को प्यार करती हूँ, किसी और को। मगर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे तो आपने मेरे साथ लिए थे। वो फेरे कभी पूरे नहीं हुए, ये अग्नि साक्षी है, वो फेरे कभी पूरे नहीं हुए। ये कैसा इम्तिहान ले रही है मेरा। नहीं विद्या, जब तक श्याम जिंदा है राधा किसी और की नहीं हो सकती। आप कब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे, कब तक झूठ बोल बोल कर मुझे बचाते रहेंगे? मेरे कारण आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सोच रहा था जगह बदलने से शायद किस्मत बदल जाए, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं। पालनपुर हिल स्टेशन पे हमारी कोठी है। अगर एक बात समझ में नहीं आई ठाकुर साहब, आप उस दीवाने मजनू का शिकार क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि उसके दीवानगी अब हमारी रुसवाई बनती जा रही है। मालकिन कहाँ जा रही है? मालकिन नदी में कूद गई। नदी में? जी हाँ, नदी को उस पार कोई बांसुरी बजा रहा था, उसे सुनते ही मालकिन श्याम श्याम कहते हुए नदी में कूद गई। श्याम, ठाकुर साहब, इसने कुछ नहीं किया। किया क्यों नहीं, मोहब्बत की है हमने। खामोश, मैं तुमसे नहीं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। मैं आपके पांव पड़ती हूँ ठाकुर साहब, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। जिसका प्यार इंतजार की आग में हर लम्हा चलता रहा, बल्कि आज भी आपको इसकी फिक्र है, तो ठीक है। आज तक आपने एक ठाकुर का सब्र देखा है, आज उसका इंतकाम भी देख लीजिए। और जिन शोलों पर मैं हर रात सोया हूं, उन शोलों पर तुम्हारा शाम कुछ देर खड़ा रहकर देखे कैसा लगता है। नहीं ठाकुर, तुम मेरे शाम को छोड़ दो, लगा दो आग। चाचा जी, मेरे शाम को बचा लीजिए, चाचा जी मेरे शाम को बचा लीजिए। ठाकुर अमर सिंह, जब तक ठाकुर श्रीकांत जिंदा है अपनी बेटी की खुशियों की होली नहीं जलने देगा। बांधो इन्हें भी, ताकि हकीकत को अफसाना बनते हुए ये भी देख ले। बदरारी बरसोरी दिन सावन बरसोरी बदरारी बदरारी।
हमारा प्यार हमारे जिस्म का मोहताज नहीं रहा था। मौत हमारे जिस्म छीन सकती है, हमारा प्यार नहीं। अंबर सिंह, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक सच्चे ठाकुर हो। वो तो तब साबित होगा जब मैं खुद राधा और श्याम का ब्याह रचाऊंगा। अरे वाह, यहाँ तो आशिकों की महफिल सजी हुई है। इस मजनू ने जेल से भागने में मेरी मदद की थी, पर क्या करूं, ठाकुर अजीत सिंह से इसकी हांडी फोड़ने का बयाना मैं ले चुका हूं। हराम सदे! ठाकुर अंबर सिंह, इस लौंडिया की वजह से तूने मुझे जेल भिजवाया था ना, तेरी हांडी तो मैं बगैर बयाना लिए फोड़ूंगा और फीस इस लौंडिया से वसूल करूंगा। कुत्ते, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तो नहीं बचेगा। ठाकुर साहब नहीं, अपनी राधा को बचा लो। हांडी फोड़ दो रामजादे की।
तुम्हारे सुरों ने मुझे नई जिंदगी दी श्याम। श्याम नहीं, श्याम नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। श्याम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। राधा, श्याम, 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 आप हार गए पापा। नहीं बेटी, मैं तुम दोनों को जुदा करने के लिए नहीं आया हूं। श्याम बेटी, तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी बेटी, आंखें खोल बेटे। ठाकुर अजीत सिंह तुमसे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगता है बेटे। आंखें खोल श्याम, आंखें खोल, अपनी राधा के लिए आंखें खोल बेटे। राधा,